त्वम् आनन्दमयस्त्वम् ब्रह्ममय त्वम् सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वम् प्रत्यक्षम् ब्रह्मासि त्वम् ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वम् जगदिदम् त्वत्तो जायते सर्वम् जगदिदम् त्वत्तस्तिष्ठति सर्वम् जगदिदम् त्वयि लयमेष्यति सर्वम् जगदिदम् त्वयि प्रत्येति त्वम् भूमिरापो नलो नीलो नवः त्वम् चत्वारि वाक्पदानि त्वम् गुणत्रयातीतः त्वम् देहत्रयातीतः त्वम् कालत्रयातीतः त्वम् मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम् त्वम् शक्तित्रयात्मकः त्वाम् योगिनो ध्यायन्ति नित्यम् त्वम् ब्रह्मा त्वम् विष्णु त्वम् रुद्र त्वम् इन्द्र त्वम् अग्नि त्वम् वायु त्वम् सूर्य त्वम् चन्द्रमास्त्वम् ब्रह्म भूर्भुवस्वरो गणादिम् पूर्वमुच्चार्य वर्णादिम् तदनन्तरम् अनुस्वार परतरः अर्धेन्दुरसितम् तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपम् गकार पूर्वरूपम् अकार मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादः सन्धानम् सहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकर्षिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् एकदन्तम् चतुर्हस्तम् पाशमङ्कुशधारिणम् रदम् च वरदौ हस्तै बिभ्राणम् मूषकध्वजम् रक्तल्लम्बोदरम् शूर्पकर्णकम् रक्तवाससम् रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गम् रक्तपुष्पैः सुपूजितम् भक्तानुकम्पिनम् देवन् जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतम् च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवम् ध्यायति यो नित्यम् स योगी योगिना वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय कर सन्मान तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध कर हनुमान हनुमंत संत हितकारी सुनिली जय प्रभु विनय हमारी जन के काज विलंब न की जय आतुर गौरी महा सुख दी जय जैसे कूद सिंधु मही पारा सुरसा पदन पैठ विस्तारा आगे जाय लंकिनी रोका मारे हुलात गई सुर लोका जाय विभीषण को सुख दीना सीता नि रखी परम पद लीना बागु जारी सिंधु मह बोरा अति आतुर जम कातर तोरा अक्षय कुमार कुमारी संहारा धूम लपेट लंक को जारा लाह समान लंक जर गई जय जय धुन सुर उर मह भाई अब विलंब के कारण स्वामी कृपा करम उर अंतर्यामी जय जय लखन प्राण के दाता आतुर होए दुख करहु निपाता
जय गिरिधर जय जय सुख सागर सुर समूह समरथ भट नागर ओम हनु हनु हनुमंत हटीले बैरि मारु बज की कीले गदा वज्र लय बैरि मारो महाराज प्रभु दास उबारो ओंकार हुंकार महाप्रभु धावो बज गदा हनु विलंब न लावो ओम हिंग 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 हनुमंत कपीसा ओम हुं 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 हनु हरि उर शीसा सत्य हो हरि शपथ पाए के राम दूत धरु मारु जाय के जय 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 हनुमंत अगाधा दुख पावत जन के ही अपराधा जब तप नेम अचारा नहीं जानत हो दास तुम्हारा वन उपवन मग गिर गृह माही तुम्हारे बल हम डर पत नाही पाए परों करी जोरी मनावो यही अवसर अब कही कोहरामो जय अंजन कुमार बलवंता शंकर सुमन वीर हनुमंता बदन कराल काल कुल भालक राम सहाय सदा प्रतिपालक भूत प्रेत पिशाच निशाचर अग्नि बिताल काल मारी मर इन्हें मार दुर शपथ राम की राखो नाथ मर जात नाम की जनक सुता हरिदास कहावो ताकि शपथ विलंब न लावो जय 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 धनी होते आकाशा सुमिरत होए दुसह दुख नासा चरण शरण करी जोरी मनावो यही अवसर अब कहीं दोहराओ उठ उठ चल तो ही राम दुहाई पाए परों कर जोरी मनाई ओम चंग 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 चपल चलंता ओम हनु 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 हनुमंता ओम हंग हाक देत कपि चंचल ओम संत सामी पराने खल दल अपने जन को तुरत उबारो सुमिरत होय आनंद हमारो बजरंग बाण जही मारे ताही कहो फिर कौन उबारे बाध करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की यह बजरंग बाण जो जापे ताते भूत प्रेत सब कांपे रूप दे जो जपे हमेशा ताके तन नहीं रहे कलेशा प्रेम प्रतीति ही कपी धजे सदा धरे उर ध्यान देह के कारज सकल सुभ सिद्ध करे हनुमान सिद्ध करे ओम शत्रुमर्दिनी नमः ओम श्री अंबिका देवी नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम तारकासुर संहंत्री नमः ओम शुंभ शुंभ सौहंत्री नमः ओम श्री दुर्गा माता जगदंबा नमः ओम श्री रक्षा करी नमः ओम राक्षसघ्नी नमः ओम श्री चामुंडा नमः ओम मधुकेतभहंत्री नमः ओम नरकांतका नमः ओम भंडासुरमर्दिनी नमः ओम श्री शिरडी साईनाथ नमः ओम श्री शिवशक्ति पुत्र कार्तिकेय नमः ओम श्री कार्तिकेय नमः ओम सर्वासुर मर्दिनी नमः ओम सर्वबाधा विनाशिनी नमः ओम सर्वसत्य गुरु मर्दिनी नमः ओम सर्वभयहारिणी रुद्र रूपा नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः There's a beautiful saying of Adi Shankaracharya, Tat Nishkala. Manom
जहंकार चित्तानि नाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च सौख्यं न दुःखं न
अहम् निर्विकल्पो निराकार रूपो विभूत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न च what you are eternal bliss and awareness, consciousness, pure consciousness. I think this must be, everybody must remember by heart and must say in all the ashrams. That's a very good way of remembering what you are. May God bless you. Jai Shri Mataji everyone. श्री माता जी की असीम अनुकंपा में इस सुंदर प्रातःकालीन बेला में हम समस्त सहयोगी जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है, महाधिशक्ति सभी सहयोगियों के भीतर जागृत है, श्री गणेश की कृपा से माँ कुंडलिनी हमारी नाभि पे विराजती, एक सहयोगी संतुष्ट है, समाधानी है, श्री गणेश का प्रतिरूप है, सहयोगी अर्थात जन्म जन्मांतर की तपस्या के उपरांत कृतयुग में जिन्होंने जन्म लिया और मां आदिशक्ति ने उनके युगों युगों के आवाहन आर्तनाद सुना, अवतरित हो और सभी सहयोगियों को उन्होंने आशीर्वादित किया उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत करके आत्मा को प्रकाशित किया। माँ गौरी अशी सदाशिव के प्रतिबिंब हमारी आत्मा का मिलन होगा। और यहीं से द्वार खुला परमात्मा तक पहुंचने का, एक सहजयोगी के भीतर हनुमान जी की समस्त सिद्धियां जागृत है। और ये निरंतर ध्यान के अभ्यास से हमारे अंदर प्रकट होती रहती अणिमा लगिमा गरिमा महिमा ईशुद्ध वशिद्ध का अनुभव हम प्रतिदिन करते
तीनों महाशक्तियां मात्रया हमारे अंदर जागृत होते हैं। और हमारे अंदर माँ कुंडली इन शक्तियों को पूर्ण रूप से जागृत करते हैं। हमारे हृदय जिसमें सातों चक्र है उनकी ओरास है, हमारी वेगस नाड़ी से होगी आत्मा के प्रकाश के साथ हमारे मस्तिष्क में छा जाती। श्री कृष्ण की विराट की शक्ति जागृत होने लगती। एक सहज योगी का जन्म एक परिवार में भागीरथ के समान है, जिससे उसके पूर्वजों की अतृप्त आत्माएं मुक्ति पाते, जिसके माध्यम से उनके पुरखे श्री माँ के श्री चरणों में आ जाते और उनकी गति पूर्ण होती है। आइए आज के ध्यान में माँ की अमृतवाणी के छोटे से अंश में सुने कुंडलिनी शक्ति और उसके द्वारा जागृत हमारे अंदर की वो शक्ति जिसके पाने के अधिकारी हैं। इस प्रकार से मनुष्य एक सहजयोगी बन के स्वयं को पहचानता है और फिर ईश्वर को पहचानता है। अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में रखेंगे हर जगह से हटा लेंगे, हर व्यक्ति हर स्थिति हर परिस्थिति से हटा लेंगे चित्त अपना, बाएं हृदय में रख दें। आप सबके अंदर की स्थित आत्मा को मेरा सादर नमन। इस ध्यान में आपका हार्दिक अभिनंदन। चित्त और आत्मा को एक होने देंगे। माँ के हर शब्द को घटित होने देंगे, सरेंडर कर देंगे। जस्ट सरेंडर सरेंडर सरेंडर, लेट द वर्ड्स एक्चुअलाइज इन आवर बीइंग।
We have understood a lot about Kundalini. And also, we know that through her awakening only, through her ascent only, we have ascended into a very higher realm of consciousness. It's not only that we have risen to a very higher realm of awareness, but that it has granted us so many powers that never before in the history of spirituality people had this power of awakening of Kundalini. As soon as they got their awakening, perhaps they went more on to the left or to the right and tried to achieve powers which were not so much for the benevolence of others. Buddha has written clearly that when the incarnation of future Buddha, that is Maitreya, three mothers put together, comes in, that time it will be used for the benevolence of people. This is one of the signs of the people, not only of Sahajogis, but of the people. So how can it be, unless and until those who are Buddhas, means those who are realized souls, know the science of Kundalini. Those people who had very little knowledge about Kundalini, who must have read in some scriptures or somewhere, which is being described, started misusing it, and so they became tantrikas. But tantra, as you know very well, is the mechanism of Kundalini, and the yantra is the Kundalini itself, is the machine. Today I think, as we know so much about Kundalini, how it passes through different centers, how it rises, all those things as we know, we should find out how we can nourish our Kundalini. That's very important to know. First of all, there's a big difference between you people and other people who got their realization. First big difference is this, that this power you have achieved sahaj, easily. Others had to go to Himalayas, stand in the cold there for days together, so many died, live in the caves, eating fruits, sometimes nothing. Even Buddha's time, they had to use only one piece of cloth to cover their body, and they had to ask for alms in the villages and somehow cook some food and eat it, whether it was cold or hot, no comforts. On the contrary, he taught them that we should give up all our comforts, because you can live without comforts. But none of them got realization, and none of them could do the work of awakening of Kundalini. So the difference is too much.
the way you got your realization, the way your kundalini in a very sahaj manner was awakened, and the way you are manifesting those powers that you have. For example, you can give realization to others, you can cure others, you can feel the vibrations of others. There are some sahajogis who can control rain, sun, moon, everything. Such yogis, some of them, have tremendous powers of prayers. Just by praying, they have saved the lives of many people. And these powers were available to some of them, even to the rishis and great munis on those days. But their powers were not based on love and compassion. This is your special field, because you have to work for the benefit. अपने चित्त को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में, आत्मा के गुणों में सराबोर होने दीजिए, निर्लिप्त प्रकाशित मुक्त चित्त पूर्ण रूप से आत्मा में समा रहा है। श्री माता जी, आपकी कृपा से एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, मैं पाप पुण्य भी नहीं, मैं सुख दुख भी नहीं, मैं जन्म मृत्यु से परे आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। मैं श्री सदाशिव प्रतिबिंब हूं, मैं महसूस करेंगे हमारा चित्त पूर्ण रूप से आत्मा के गुणों से भर के धीरे धीरे अपने चित्त को एक टॉर्च की तरह ले आएंगे अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच ले आएंगे अपना चित्त, सुषुम्ना नाड़ी, अपने ही अंदर जाना है, अपने ही अंदर रीढ़ की हड्डी के अंदर चित्त लाएंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। श्री माता जी, मुझे संतुलन दीजिए, मुझे मध्य में स्थापित कर दीजिए, मुझे दाएं और बाएं से हटा दीजिए, मुझे मध्य में स्थापित कर दीजिए माँ,
मूलाधार से वलय तक महसूस करेंगे, एक सीधी रेखा को। मूलाधार चक्र विचित्र रखेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु श्री गणेश, आप ही सृष्टि के आदि और अंत हैं, आप अनंत हैं, आप अनंत हैं श्री गणेश। आप सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, हर शब्द को घटित होने देंगे, जस्ट सरेंडर 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 सरेंडर। श्री गणेश आशीर्वादित कर रहे हैं, छोड़ देंगे अपने आप को पूरी तरह से, उनकी शक्तियों को बहने देंगे अपने अंदर। हे प्रभु श्री गणेश, आपकी पवित्रता, आपका बुद्धि विवेक, आपका समर्पण, मां निर्मला के श्री चरण, मुझे प्रदान कीजिए। हे प्रभु श्री गणेश, मेरे हर चक्र पे आप विराजित हो जाइए, हर शब्द को घटित होता हुआ महसूस करेंगे, हर प्रार्थना को मां आदिशक्ति आशीर्वादित कर रही। पूरा चित्त मूलाधार चक्र में हे प्रभु श्री गणेश, मेरी आत्मा के उत्थान को निर्विघ्न कीजिए, सभी देवी देवताओं को मेरे अंदर जागृत कर दीजिए, हे प्रभु श्री गणेश, आप माँ दुर्गा के प्रमुख सहायक हैं, कृपा कीजिए माँ दुर्गा को सहयोग कीजिए, सब नकारात्मकताओं का नाश कीजिए। हे गणाध्यक्ष, हे गणपति, समस्त गणों को जागृत कर दीजिए, क्रियान्वित कर दीजिए, महसूस करेंगे मूलाधार चक्र को जागृत होता हूं। हे गणपति,
आप ही हर मनुष्य के अंदर जागृत है, उसको अधोगति से बचाते हैं, आप ही रोकते हैं पाताल में जाने से। हमारी रक्षा करते हे प्रभु श्री गणेश। मुझे आपके ऊर्ध गति में जाने वाले उस भुजा पे बिठा लीजिए जो सदाशिव के द्वार तक जाते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना करते रहेंगे जब तक इसका अनुभव न श्री गणेश की जागृति पूर्ण रूप से न हो जाए। श्री गणेश को महसूस कर रही मूलाधार चक्र में, बहुत सुंदर अनुभूति चित्त को उठाएंगे स्वाधिष्ठान चक्र में, शुद्ध इच्छा योग के शुद्ध इच्छा समस्त अशुद्ध इच्छाओं का दमन हो रहा है। चित्त को उठाएंगे नाभि में, मां कुंडलिनी पूर्ण रूप से नाभि में आ रही, महसूस करेंगे इस घटना को, पूरा चित्त अपने ही अंदर नाभि चक्र श्री माता जी आप ही साक्षात श्री महालक्ष्मी आप ही मुझे योग की ओर ले जाते, भव सागर से पार कराते, मेरा महालक्ष्मी तत्व जागृत कर दीजिए माँ। मैं पूर्ण रूप से समाधानी संतुष्ट हूँ। उठाएंगे मध्य हृदय माँ जगदम्बा सभी गणों के साथ सज्जन हमारे रक्षण के लिए दुर्गा माता जगदम्बा महसूस करेंगे उनकी जागृति, हे
हे जगत जननी जगदम्बा, जागृत हो जाए। दुष्टों का नाश कीजिए, जागृत हो जाए। पूरा चित्त अपने अंदर महसूस करेंगे माँ जगदम्बा की जागृति को। जगदम्बा 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 माँ जगदम्बा। चित्त को उठाएंगे विशुद्धि चक्र में, श्री कृष्ण को महसूस करेंगे श्री राधा के साथ। पूरा चित्त अपने गले के अंदर विशुद्ध आत्मा में विशुद्ध सामूहिक में सबके अंदर होंगे, कलेक्टिवली कॉन्शियस होंगे। चित्त को उठाएंगे आज्ञा चक्र, सबको क्षमा कर देंगे, क्षमा की शक्ति का आनंद लेंगे। अब फादर हु आर्ट इन हेवन, हेलोड बी थाई नेम, थाई किंगडम कम, द विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन। गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड, forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptations, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever and ever. Amen. चित्त को उठाएंगे सहस्रार में आ रहा है पूरा चित्त, आत्मा का प्रकाश फैल रहा है पूरे सहस्रार में, घटित होने देंगे इस घटना को, सरेंडर कर देंगे। महसूस करेंगे सर के बीचों बीच स्थित सारे चक्रों को, सहस्रार के चक्र, विशुद्धि हृदय नाभि स्वाधिष्ठान मूलाधार वैराग्य में श्री महागणेश। सहस्रार के सभी चक्र एक्टिवेट हो रहे,
हमारे चित्त से। ब्रह्मरंध्र में श्री माता जी के श्री चरणों को महसूस करेंगे। हे परम पावनी माँ, हे चित्तेश्वरी, हे महादिशक्ति, मेरा सर्वस्व आपको समर्पित माँ। मेरा सर्वस्व आपको समर्पित। श्री माता जी, आई सरेंडर, आई सरेंडर माय सेल्फ, आई सरेंडर My life, I surrender everything that I am at the lotus feet. Shri Mataji, mujhe apne andar sama lijiye. माँ, आप विराट आंगना है, आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया है, पंच महाभूत, आकाश, अंतरिक्ष सब आपके अंदर समाये। श्री माता जी, मेरा योग श्री सदाशिव से करा दीजिए माँ। मुझे इस योग्य बना दीजिए माँ कि मेरा चित्त हल्का हो जाए। इथेरियल जोन में मैं प्रवेश कर सकूं, मेरा अहंकार नष्ट कर दीजिए माँ। हे चित्तेश्वरी, ये चित्त आपका है, उठने देंगे चित्त को अर्थ बिंदु बिंदु वलय, और वलय से बरसने देंगे परम चैतन्य को हमारे ही ऊपर, भीग जाएंगे परम चैतन्य एकदम हल्के हैं हम। उठाते रहेंगे चित्त को वलय के और ऊपर सूक्ष्म चक्रों में, आकाश तक पहुंचेंगे,
पूरा चित्ताकाश में हर नकारात्मकता के परे आकाश में चित्त उठाते रहेंगे, चित्त को और ऊपर और ऊपर अंतरिक्ष में ग्रह नक्षत्र नेबुलास आकाश गंगाएं गैलेक्सीज उठाते रहेंगे चित्त को, अंतरिक्ष के परे जाएंगे, शून्य में आएंगे, न जल न थल न वायु न अग्नि न आकाश, सब शून्य, सब शून्य। शून्य में विराजे सृष्टि के बीच श्री सदाशिव, पूर्ण रूप से निराकार शक्ति, हमें अपने अंदर समेट रही, हमें अपने अंदर समेट रही है शक्ति, समा जाएंगे, घटित होने देंगे इसे। महायोग घटित हो गए हैं, प्रयास करेंगे धीरे धीरे चित्त को बाहर निकालने का, श्री सदाशिव उज्ज्वल प्रकाश के शिवलिंग स्वरूप उज्ज्वल प्रकाश सालोक्य की अवस्था में दर्शन के लाभ मिल रहे हैं। फिर से तादात्म्य में जा रहे हैं, एक हो गई, एक बार पुनः प्रयास करेंगे चित्त को बाहर लाने का।
नमन करेंगे, धन्यवाद करेंगे। श्री सदाशिव का, माँ आदि शक्ति का, अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। आप हमारे अंदर प्रतिबिंबित हैं, हम आपका ही स्वरूप बने। हमारे समस्त अपराधों को आपने क्षमा किया, हमारे पूर्वजों को आपने क्षमा किया, हमें सहज होती अनंत कोटि नमन, अनंत कोटि धन्यवाद। धीरे धीरे प्रयास करेंगे चित्त को नीचे लाने का, अंतरिक्ष में सभी ग्रह नक्षत्रों में, सूर्य में, चंद्रमा में हमारी आत्मा का प्रकाश है। सर्वव्यापी आत्मा, सर्वव्यापी हूँ मैं, चित्त को और नीचे लाएंगे आकाश, और आकाश से पूरे विश्व में अपनी आत्मा का प्रकाश फैलने देंगे। अमेरिका, कनाडा, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, हमारी सर्वव्यापी आत्मा कार्य कर रही, परम चैतन्य फैल रहा, सहज योग फैल रहा, सबके अंदर है। सबके अंदर है, हमारे चित्त को बटोरेंगे, अपने देश में लाएंगे, अपने शहर में लाएंगे, अपने घर में लाएंगे, और उस जगह फैला देंगे चित जहां हमारा आना जाना। सहज योग फैलने देंगे अपने चित्त से, कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस कार्यालय, जहां भी आना जाना, सोसाइटी, हर जगह हमारे चित्त से नकारात्मकताओं का नाश हो रहा, सब जगह सुंदर वातावरण, सुंदर वातावरण, चित्त को
अपने जानकारों संबंधियों पे रखे, सबके अंदर अपने चित्त से सहजों की लौ जलाएंगे, सबकी आत्मा में स्वयं को अनुभव करेंगे। चित्त को अपने परिवार वालों पे रखेंगे, पति पत्नी माता पिता बच्चे, सबके सहस्रार और हृदय पे चित्त रखेंगे। बहुत सुंदर, चित्त को सहस्त्रार पे रखेंगे, परमेश्वरी को महसूस करेंगे, विराजे हुए सहस्त्रार स्वामिनी माँ, सहस्त्रार स्वामिनी माँ, हमारे सहस्त्रार हमारा हृदय, हमारा हृदय मस्तिष्क एक है, हमारा हृदय और मस्तिष्क एक है, श्री माता जी भी राजी सहस्त्रार में, सब सरेंडर कर देंगे माँ के श्री चरण, जस्ट सरेंडर। माँ आप ही करता आप ही करविता, आप ही करता आप ही भोगता है माँ, मेरा कुछ नहीं है माँ, मैं तो सिर्फ माध्यम, श्री माता जी आपने मुझे सहयोग दिया, मेरी नाड़ियों को शुद्ध किया, तीनों महाशक्तियों को जागृत कर दिया, श्री माता जी आप ही महाकाली, आप ही महासरस्वती, आप ही महालक्ष्मी है माँ, मेरा सर्वस्व आपको समर्पित, मेरा भूत भविष्य आपके श्री चरणों, मेरे पूर्वज मेरे अग्रज सब आपके श्री चरणों, मेरे वंशज मेरा पूरा परिवार आपके श्री चरण, श्री माता जी के श्री चरण सब छोड़ देंगे, थैंक यू श्री माता जी आज के ध्यान के अनुभव के लिए, सहयोग के लिए, थैंक यू श्री माता जी, इनफाइनाइट सैल्यूटेशन एट योर लोटस फीट श्री माता जी, मेरा भूत भविष्य वर्तमान सब आपके श्री चरणों,
चित्त को शिव माता जी के श्री चरणों में छोड़ दें और आज के ध्यान को यहीं कंक्लूड करेंगे। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सबको जय श्री माता जी। 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 सभी को जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आपका बेटा, सभी बहन भाइयों को जय श्री माता जी। आज के ध्यान के लिए माँ आपको अनंत 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 कोटि नमन। इतनी सुंदर प्रार्थनाएं आपने अपने बच्चे से कराई हैं। हम सब लोग उस एक एक प्रार्थना को महसूस करते हैं, अनुभूति है अंदर से। जब तक आप उसको फील नहीं कर पाएंगे, जिस फील के साथ अंकल दीदी बोल रहे हैं आपकी, उसी फील के साथ में अभी ये प्रार्थनाएं आपकी तरफ से जा रही हैं, तो उसकी आप कार्यान्वित होते भी देखते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थनाएं, बहुत सुंदर चक्र पर, हर चक्र पर ध्यान इतना निरंजित हो रहा है पूरा। आप सभी लोग इस समय परम चेतन से नहाए हुए, जिस परम चेतन का एक छोटा सा हिस्सा भी हम अपने में महसूस करके खिल जाते हैं कि चैतन्य आ रहा है, और यहाँ हम लगातार फुहारे बरस रहे हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। बहुत सुंदर अनुभूति सुन सरोवर। थैंक यू मैम। सुंदरता के साथ समा रहे हैं, और बस इस समय बस इतना ही कहूंगी कि माँ आप अपने अंश को, उनकी शक्तियों को और क्रियान्वित कराएं, जैसे कि वो फैलती जा रही हैं, सारे पूरे विश्व के लिए है, सब ब्रह्मांड के लिए है, क्योंकि जिस समय चैतन्य पूरे विश्व के लिए बरसता है तो वो ब्रह्मांड के कण कण में जा रहा है। थैंक यू बेटा, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू। और माँ ऐसे ही तुम्हें आशीर्वादित करें, और उसका हम लोग भी पूरा आनंद उठा रहे हैं। थैंक यू। जय श्री माता जी बेटा। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी बेटा। जय श्री माता जी। सभी जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। सभी को जय श्री माता।